यू वॉचिंग ऑल ओवर इंडिया, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो जैसे कि आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी जी ने जो 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की थी उसका आज दूसरा दिन है। एंड इस वीडियो में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुर से बिलोंग करता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर कम से कम बाहर निकलने के लिए सरकार बार बार बोल रहे है, सोशल डिस्टेंस रखने के लिए सरकार बार बार बोल रही है। जब हम जहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर जाते हैं तो वायरस की फैलने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए जितना कम जाए जितना कम बाहर जाए उतना सही रहेगा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एंड इस सोसाइटी के लिए, देश के लिए। सो आज कुछ खास हुआ। शाम के समय पर एक गाड़ी है जिसमें आलू एंड प्याज, पोटैटोस एंड ऑनियंस भरे हुए थे एंड लोगों को ये कहा जा रहा था कि म्युनिसिपैलिटी के तरफ से ये गाड़ी आया हुआ है बहुत ही कम दाम में, यानी कि बाजार में अभी मार्केट में चाहे आप किसी भी मार्केट कह लीजिए या फिर रिटेल शॉप कह लीजिए जहां पर आप जाके वेजिटेबल्स लाते हैं वहां पर भी मतलब इतनी ज्यादा हाई रेट में ऑनियन पोटैटोस एंड और वेजिटेबल्स सेल किया जा रहा है कि पूछे मत, मतलब पूरी की पूरी कालाबाजारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने, यहाँ पर ब्रह्मपुर म्युनिसिपैलिटी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों को भी राहत मिली एंड कोरोना वायरस संक्रमण होने से भी ब्रह्मपुर के वासी बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑनियंस 30 रुपए में जो कि पहले भी था एंड पोटैटोस 22 रुपए में यहाँ पर हर गली में हर वार्ड में गाड़ी घूमकर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है म्युनिसिपैलिटी की ओर से। तो मैंने गोप्रो में वो सारे फुटेज कैद कर लिए, सो मैं वो चीज आपको दिखाने वाला हूँ। सो इसीलिए ब्रह्मपुर म्युनिसिपैलिटी के जो भी कर्मचारी हैं, स्पेशली राठौड़ सर, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब कुलंगे सर, आप सभी को स्पेशली एंड हमारे सीएम नवीन पटनायक जी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। एंड डीआरडीए भी लगा हुआ है लोगों को अवेयर करने में कोरोना वायरस के बारे में, उन सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप उड़ीसा से हो, ब्रह्मपुर से हो, तो डेफिनेटली आपके वार्ड में भी, आपके स्ट्रीट में भी ये सब जो भी फैसिलिटीज है आप तक पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहे, बाहर मत निकले एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इंडिया के हर कोने में इसी व्यवस्था को लागू किया जाएगा जिसके वजह से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, उनके पास जो भी एसेंशियल गुड्स है वो पहुंच जाएगा।